हाय दोस्तों, स्वागत आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन के बारे में। जिन कहाँ रहते हैं, ये कैसे इंसानों को अपने वश में कर लेते हैं, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एंड में प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जिन शब्द सुनते ही आपके जहन में अलादीन और उसका जादुई चिराग याद आ जाता होगा। जिन शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसमें जिन्नात और जिन्नी मशहूर हैं। जिन वास्तव में बताया जाता है कि आग जैसे तत्व से बने होते हैं और इनकी ताकत एक सामान्य बेताल से कई गुना ज़्यादा होती है। जिन या जिन्नात बताया जाता है कि भटकती रूहों की श्रेणी में आते हैं और काफ़ी गुस्सैल प्रवृत्ति के भी होते हैं। अक्सर सुनी जगह या सुनी हवेलियों इनका बसेरा बताई जाती हैं। जिन्नों को सफ़ेद रंग और भोजन प्रिय होता है। हिंदू धर्म में उन्हें आत्माएं, प्रेत और पिशाच, ईसाई डेविल या सिप्रिट और इस्लाम धर्म में जिन्नों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। हम भूत पिशाच आत्माओं के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आज हम आपको जिन्नात के रूपों के बारे में ही चर्चा करेंगे। जिन अरबी भाषा से आया है क्योंकि जिन्नों का एहसास अरबी देशों से ही पहले हुआ था, जिसका अर्थ अलौकिक और ना दिखने वाली ताकत होता है। कुरान के अनुसार अस्तव हवाओं में ही होता है। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार इंसान मरने के बाद जिन बन जाता है और अपनी बाकी इच्छा को पूरी करने के 1000 से लेकर 8000 साल बाद दुनिया से जाते हैं। जिन के बारे में जानने से पहले हमें उसके रूपों के बारे में जानना होगा। जानकारों के अनुसार जिन को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इन चारों ही तरह के जिन खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से वह इंसानी दुनिया को प्रभावित भी करते हैं। जिन की सबसे खतरनाक और ताकतवर प्रजाति होती है मरीद। आपने कई बार इन्हें किस्सों और कहानियों में भी सुना होगा। लोकप्रिय कहानी अलादीन का चिराग में भी इसी जिन को शामिल किया गया था। इन्हें समुंदर या फिर खुले पानी में पाया जा सकता है। जिन्नातों को हवा में उड़ते हुए भी देखा जा सकता है। इफ्रीत जिन और उनकी दुनिया का रहस्य इंसानी दुनिया के समांतर ही होता है। इंसानी दुनिया जैसे ही इफ्रीत जिनों की भी दुनिया होती है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों इफ्रीत साथ रहते हैं। जिन्नात इंसानों को समझने की ताकत भी रखते हैं। जिन्नात बहुत ही जल्द इंसानों को अपने दोस्त भी बना सकते हैं। इफ्रीत अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन इन पर विश्वास करना घातक सिद्ध हो सकता है। सिला प्रजाति में सिर्फ महिला ही जिन होती है, जो देखने में बेहद आकर्षण और खूबसूरत भी होती है। ये इंसानों से दूर इंसानी दुनिया में रहती है। सिला ज़्यादा मात्रा में देखी नहीं जाती, लेकिन वह मानसिक तौर पर मजबूत और बहुत ही समझदार भी होती है। इंसानी मांस खाने वाली घूल प्रजाति बहुत ही खौफनाक होती है। यह कब्रिस्तान के आसपास ही रहते हैं। ये जिन्नात क्रूर और शैतान से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए इंसानों के लिए यह बहुत ही खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। बेताल जिन क्या होते हैं और ये कहाँ रहते हैं और ये कैसे किसी को अपने वश में कर लेते हैं? यह वैम्पायर होते हैं, इंसान के खून पर ही जिंदा रहते हैं। विक्रम बेताल की कहानियों में इन्हीं बेतालों का जिक्र किया गया था। यह भविष्य देख सकते हैं और जब चाहे भूतकाल में भी जा सकते हैं। कई लोग जिन को सिद्ध कर उनसे मनचाहे काम करवाने की मंशा भी रखते हैं और जिन को सिद्ध करने निकल पड़ते हैं, मगर उन्हें ये ध्यान नहीं होता कि बुरी नीयत से किसी भी सिद्धि को हासिल करना कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे लोग या तो खुद का पतन कर लेते हैं या दूसरों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। ऐसा भी सुनने में आता है कि जिन को हासिल करने की मंशा के दौरान अगर आप मर जाते हैं, आपको जिन्नातों की दुनिया में भटकना पड़ सकता है। जिन को हक होता है कि वो इंसानी दुनिया में दखलंदाजी कर सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें इंसानों के साथ रिश्ता बनाना पड़ता है। जिन्नात से इंसान डरते हैं, मगर इसके विपरीत जिन्नात मानवीय आवासों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। यही वजह है कि हमें सुनसान जगहों पर ज़्यादा सतर्कता बरतनी पड़ती है। जिन्नात भी इंसानी तौर तरीके से रहते हैं, जैसे शादी करना, बच्चे पैदा करना और मरने पर उनकी दुनिया इंसानी दुनिया से अलग होती है। जिन्नात अपने असली रूप में बहुत कम दिखते हैं, ज़्यादातर वो मानवीय शक्ल इख्तियार करते हैं। इंसानी वजूद मिट जाएगा, मगर जिन्नात कायनात के दिन तक अस्तित्व में रहेंगे।
तो दोस्तों ये थी जिन की दुनिया के बारे में रोचक जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।